नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार पुनः आप सभी मित्रगणों का डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मेरा ये वीडियो डालने का जो उद्देश्य है वो आपको रीट एग्जाम के प्रति तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से आपको योजना बनानी है और किस प्रकार से इस महामैराथन में, इस महायुद्ध में, इस महाभारत में, क्योंकि महाभारत ही कहूंगा मित्रों, इसमें 10-12 लाख विद्यार्थी बैठने वाले हैं। ये 25 अप्रैल को जो एग्जाम होने हैं इसमें आपको किस प्रकार से फतेह प्राप्त करनी है मित्रों, इसके लिए मैंने एक रणनीति बनाई है और उस रणनीति के तहत काम किया है। मित्रों, जैसे आप तैयारी करते हो रीट की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लाते हो और सभी मित्रों की एक ही डिमांड होती है कि सर कौन सी बुक जो ऑथेंटिक बुक हो जो हमको पढ़नी चाहिए, किसी बुक में कुछ अशुद्धियां हैं, किसी में कुछ कमियां दे रखी हैं। हर मित्रों का, जो स्टूडेंट्स का, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों का जो फोन आता है तो वो ये इसी को लेकर के आते हैं। सबसे ज्यादा जो उहापेह की स्थिति होती है, जो सस्पेंस की स्थिति होती है, वो इसको लेकर के होती है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। इन सबको मद्देनजर रखते हुए मित्रों, मेरे द्वारा और मेरे विद्वान साथियों के द्वारा ये सभी बुकों का निचोड़ एक बुक के अंतर्गत लाने के लिए एक बुक का प्रकाशन किया गया है। ये पिंक सिटी पब्लिकेशन के द्वारा, कौन सा प्रकाशन है तो पिंक सिटी पब्लिकेशन के द्वारा, पुस्तक का नाम है धरोहर। और ये धरोहर जो बुक निकाली गई है ये रीट लेवल सेकंड के लिए, जो एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं उन एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए बुक निकाली गई है। विद्यार्थियों, ये जो बुक है इतनी सारगर्भित है कि इसको पढ़ने के बाद में आपको बाकी इन सब्जेक्टों की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी बुकों का निचोड़, मैं कह सकता हूं सभी का, जो उनमें जो सार सार जो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उन सब का निचोड़ इस बुक के अंतर्गत हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं पे भी राजस्थान के किसी भी बुक सेलर से ये बुक आप परचेज कर सकते हो। ये जो बुक आपको प्रोवाइड करवाई गई है, इसके साथ साथ इसमें क्या है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमी से संबंधित, यानी ये जो बुक है। और मित्रों, जो नवीनतम जो सिलेबस था 11 जनवरी 2021 को जो प्रकाशित हुआ है, उस सिलेबस यानी नए पैटर्न के आधार पर ये बुक का पब्लिकेशन किया गया है। तो ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जिसकी कुछ हद सीमा नहीं है। मैं कहना चाहूं कि नए सिलेबस के आधार पर, जो पुरानी बुकें मार्केट में चल रही हैं वो पुराने सिलेबस के आधार पर है, ये एक प्रकार से अत्याधुनिक आपकी स्ट्रेटेजी, आपके पढ़ने के तरीका उसको स्ट्रांग करेगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत सार गर्वित साबित होगी। मित्रों, इसके साथ साथ हमने एक सोल्ड पेपर के लिए ये सोल्ड पेपर निकाले हैं। इसमें जो टैट की एग्जाम हुई थी 2011 में, उसके बाद 12 और 15 और 17 में जो रीट की एग्जाम हुई है, उन एग्जाम के पेपर्स इसके अंतर्गत विद सॉल्यूशन के साथ में हमने प्रकाशन किया है, ताकि किसी चीज में युद्ध में फतेह करने के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पहले उसकी रणनीति, और जिसकी रणनीति जितनी स्ट्रांग होगी वो उतनी ही आसानी से, उतनी ही जल्दी विजय प्राप्त कर सकता है मित्रों। क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के, बिना प्लानिंग के, पूर्व प्लानिंग के विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा मित्रों, क्योंकि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी लाडलो जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। संघर्ष जारी रखना है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ योजनागत ढंग से स्मार्ट स्टडी आपकी होनी चाहिए, अच्छी बुक्स, ऑथेंटिक बुक से आपको अध्ययन करना है, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। बुक का इतना योगदान होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी अगर बुक में उल्टा सिल्टा आ गया और आपने वो आपकी उस बुक की वजह से आपका एग्जाम पेपर में गलत हो गया, वो आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है मित्रों। यानी ये चांस कहते हैं, किस्मत एक बार दरवाजा खटखटाती है, बार बार नहीं खटखटाती। तो मैं तो यही कहूंगा मित्रों, तैयार हो जाइए और इस बुक को परचेज कीजिए ज्यादा से ज्यादा मार्केट में, क्योंकि बुक है धरोहर, बेस्ट बुकों में से एक बुक
धरोहर किसके द्वारा, पिंक सिटी पब्लिकेशन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बुक को जल्दी से जल्दी परचेज करोगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी मित्रगणों का डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।